दोस्तों कोलकाता से सीधे बैंकॉक, वो भी बिना फ्लाइट के। जी हाँ दोस्तों, और ये सब पॉसिबल होगा कोलकाता टू बैंकॉक हाईवे के जरिए। दरअसल 1360 किलोमीटर लंबी ये सड़क भारत, म्यांमार और थाईलैंड को आपस में जोड़ने का काम करेगी। ये प्रोजेक्ट भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को पूरा करने वाला है। क्या है अटल जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट, कैसे मिलेगा भारत को इससे फायदा और कहां कहां से गुजरेगी ये सड़क, चलिए जानते विस्तार से। दोस्तों अभी हाल ही में कोलकाता में बिम्स्टेक देशों यानी कि बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के बीच 2 दिनों की एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाले म्यांमार और थाईलैंड के मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स ने ये जानकारी दी है कि कोलकाता से बैंकॉक तक बन रहे हाईवे का काम 3 से 4 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। म्यांमार के मंत्री आंग नाइंग ओ के अनुसार वहां के हाईवे का अधिकतर काम पूरा हो चुका है, बाकी बचे अपग्रेडेशन के काम 2026 के आखिरी तक पूरे किए जाएंगे। वहीं दोस्तों थाईलैंड में बैंकॉक से मैसूर तक हाईवे का काम लगभग पूरा हो चुका है। यह 501 किलोमीटर का हिस्सा लगभग तैयार है। अगर इस हाईवे के रूट की बात करें तो यह कोलकाता से शुरू होता है, जहां से ये नॉर्थ में सिलीगुड़ी तक जाता है और यहां से ईस्ट की ओर मुड़ता है। दोस्तों आगे कूचबिहार होते हुए वेस्ट बंगाल से बाहर निकलकर श्रीरामपुर सीमा के बीच से असम में एंट्री लेता है, वहीं दीमापुर में नागालैंड में एंट्री लेगा और फिर ये हाईवे आगे इंफाल से गुजरते हुए मोरहे के जरिए म्यांमार में प्रवेश कर जाएगा। मोरहे से यह मैसूर के माध्यम से थाईलैंड में प्रवेश करने के लिए मांडले, नेपियाडो, बागो और मियावाड़ी को पार करने के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा को कवर करता है। आपको बता दें भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने साल 2002 में थाईलैंड और म्यांमार को इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा प्रपोजल दिया था। भारत और साउथ ईस्ट कंट्रीज के संगठन आसियान के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इस प्रोजेक्ट का प्रपोजल रखा गया था। उनका मानना था कि इसे थाईलैंड से आगे कंबोडिया से होकर वियतनाम और फिर लाओस तक बढ़ाया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट को 2009 तक पूरा हो जाना था दोस्तों, लेकिन पैसे की कमी के चलते इसका काम आगे नहीं बढ़ सका। फिर मई 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार की तरफ से कहा गया कि भारत इस हाईवे को 4 लेन में बदलने और 71 पुलों को फिर से बनाने में $100 मिलियन खर्च करेगी, लेकिन 2014 तक ये काम नहीं हो सका। फिर अगस्त 2016 में भारत और म्यांमार के बीच एक ट्रीटी होती है, जिसके मुताबिक ये तय हुआ कि भारत दामू से कलेवा सड़क के 146.28 किलोमीटर के हिस्से में 69 पुलों को बनाने के लिए फंड देगा। वहीं म्यांमार क्षेत्र में हाईवे के बचे काम को पूरा करने के लिए भारत ने अगस्त 2017 में $256 मिलियन रिलीज किए। दोस्तों आपको बता दें कि भारत म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है। यह भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स में से एक है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी में भी सुधार होगा। म्यांमार, थाईलैंड, हांगकांग, सिंगापुर और नॉर्थ ईस्ट सहित बाकी एशियाई देशों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार आएगा, जिससे भारत में टूरिज्म में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं स्ट्रेटेजिक रूप से चीन को ध्यान में रखते हुए भारत के पड़ोसी देशों जैसे म्यांमार और थाईलैंड के साथ रिलेशन सुधारने में मदद मिलेगी। चलिए आपको थोड़ा और विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये हाईवे क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। दोस्तों कोलकाता बैंकॉक हाईवे इकोनॉमी के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हाईवे भारत और साउथ ईस्ट एशिया के बीच बिजनेस और टूरिज्म को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही यह मौजूदा सी रूट का ऑप्शन भी देगा, जिससे समय और लागत दोनों की बचत होगी। इस हाईवे के बनने से कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और टूरिज्म सेक्टर में काफी जॉब्स भी क्रिएट होंगे। इसके साथ ही इस पूरे रीजन में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्टडी के अनुसार यह हाईवे भारत और साउथ ईस्ट एशिया के बीच 30% तक बिजनेस को बढ़ा सकता है और 1 मिलियन यानी करीब 10 लाख जॉब क्रिएट होने की संभावना है। अब दोस्तों इसी स्टडी के अनुसार इस पूरे रीजन में एक्स्ट्रा $10 बिलियन GDP क्रिएट होने की संभावना भी है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही इस रीजन में ये हाईवे बड़ी बड़ी कंपनियों को इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अट्रैक्ट करेगा। इकोनॉमिक बेनिफिट्स के साथ साथ इस हाईवे के कई सोशल बेनिफिट्स होंगे। जैसे बताया जा रहा है कि इस हाईवे के बनने से इस रीजन में जॉब क्रिएट्स तो होंगी, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी कम होगी। इसके साथ इस रीजन में रहने वाली उन कम्युनिटीज को बहुत फायदा होने वाला है, जिसके लिए अभी तक क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर उपलब्ध नहीं थे। एग्जाम्पल के लिए म्यांमार के लोग भारत में आकर अच्छी हेल्थ सर्विसेज का फायदा ले सकेंगे। इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट के एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी हैं। जैसे इस हाईवे के बन जाने से शिप्स का यूज कम हो जाएगा, जिससे एमिशंस को कम करने में हेल्प मिलेगी और एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार भी होगा। ये हाईवे ट्रैफिक को भी कम करेगी, जिससे भी पॉपुलेशन में कमी आएगी। अब इन सब के साथ ये हाईवे भारत को एनर्जी सिक्योरिटी देने में इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। साउथ ईस्ट एशिया से ऑयल और नेचुरल गैस को इम्पोर्ट करने का भारत को एक ऑप्शनल रूट मिल जाएगा, क्योंकि जिस देश के पास जितने ही एनर्जी सोर्सेज के रूट्स हों, वो उस देश के लिए स्ट्रेटेजिकली उतना ही इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत पिछले कुछ समय से साउथ ईस्ट एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा है और कोलकाता बैंकॉक हाईवे उस दिशा में एक बड़ा कदम है दोस्तों। जी हाँ, इससे ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के लिए भारत की डिपेंडेंसी चीन पर कम होगी और भारत को एक और ऑप्शन मिल जाएगा। चीन भारत का बहुत बड़ा बिजनेस पार्टनर तो है, लेकिन दोनों देशों के बीच बहुत ही कड़वा रिलेशन भी है दोस्तों। टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में बैंकॉक भारत के लोगों के बीच पहले से ही काफी मशहूर है। ऐसे में इस हाईवे के बन जाने से दोनों ही देशों के बीच टूरिज्म किस लेवल तक बढ़ जाएगा, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। जी हाँ, ये हाईवे भारत और थाईलैंड के बीच कल्चरल एक्सचेंज को भी खूब बढ़ावा देगा। दोनों ही देशों का एक शानदार इतिहास और संस्कृति रही है। सीधे हाईवे बन जाने से दोनों देशों के लोगों के लिए एक दूसरे के कल्चर के बारे में सीखना आसान हो जाएगा। इससे दोनों देशों के बीच रिलेशन और भी मजबूत होंगे। आपको बता दें कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत और थाईलैंड ने 2019 में एक दूसरे से $1.3 बिलियन कमाए। इसमें से भारत ने वहां के टूरिस्ट से $600 मिलियन कमाए और थाईलैंड ने इंडियन टूरिस्ट से $700 मिलियन। जी हाँ दोस्तों, इस सड़क को बिम्स्टेक प्रोजेक्ट के जरिए बनाया जा रहा है, लेकिन आखिर क्या है ये बिम्स्टेक, चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। दरअसल इसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है जो कि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को जोड़ता है। इसमें फिलहाल 7 देश आते हैं, भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। शुरुआत में इसमें 4 देश थे केवल, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। बाद में इसमें म्यांमार और फिर आगे चलकर 2004 में इसमें भूटान और नेपाल को भी शामिल कर लिया गया था, जिसके बाद इसका नाम बिम्स्टेक रखा गया। इस संगठन की स्थापना बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत 1997 में की गई थी। अब दोस्तों, बिम्स्टेक का मेन पर्पस साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सपोर्ट को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही सभी मेंबर्स देशों के बीच ट्रेड में आने वाली दिक्कतों को कम करना भी है। ये संगठन टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट, टेररिज्म जैसे मुद्दों पर भी आपस में बातचीत कर सॉल्यूशन ढूंढती है। बिम्स्टेक इस हाईवे के अलावा कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही है। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट कोलकाता से म्यांमार और फिर म्यांमार से मिजोरम तक का रास्ता है। इसमें समुद्र, नदी और जमीन तीनों रास्ते शामिल हैं। कोलकाता पोर्ट से समुद्र के रास्ते म्यांमार के सितवे पोर्ट तक का रास्ता है। इससे आगे कालादान नदी का रास्ता और फिर म्यांमार से मिजोरम को जोड़ने वाली सड़क है। 2008 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली थी और उस वक्त इसकी लागत 535.91 करोड़ रुपए आने का अनुमान था। 2015 में ये लागत बढ़कर 2,904 करोड़ रुपए हो गई थी। इसका पूरा खर्च भारत उठा रहा है। प्रोजेक्ट में लगातार देरी भी हो रही है। इसकी डेडलाइन कई बार बढ़ चुकी है, लेकिन अभी भी काफी काम बाकी है और अब माना जा रहा है दोस्तों कि यह 2031 तक पूरा हो जाएगा। पोर्ट तैयार हो गए हैं और सड़क पर काम चल रहा है। कोलकाता से सितवे पोर्ट तक की दूरी 539 किलोमीटर है। सितवे से कालादान नदी के जरिए पलीतवा का रास्ता 158 किलोमीटर का है। इसके आगे 129 किलोमीटर लंबी सड़क होगी। इसमें 88 किलोमीटर की सड़क भारत में है। इसके बन जाने के बाद कोलकाता से मिजोरम की दूरी करीब 1,000 किलोमीटर कम हो जाएगी। यह भारत को साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ने का रास्ता तो होगा ही, जिससे व्यापार के नए मौके मिलेंगे। इसके अलावा यह स्ट्रेटेजिक रूप से भी काफी इंपॉर्टेंट है। दरअसल भारत के नॉर्थ ईस्ट तक बहुत ही छोटा सा रास्ता है। यहाँ तक जाने के लिए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से ही जा सकते हैं। इस पर हमेशा चीन की बुरी नजर रहती है, तो ऐसे में यह एकमात्र रास्ता अगर ब्लॉक हो जाए तो भारत की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। दोस्तों, चीन के साथ जब 2017 में डोकलाम में विवाद हुआ था, उस वक्त से यह चिंता बढ़ गई थी कि चीन नॉर्थ ईस्ट से भारत का संपर्क काट सकता है। लेकिन कालादान प्रोजेक्ट पूरा हो जाने पर नॉर्थ ईस्ट पहुंचने का एक दूसरा रास्ता हमें मिल जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में कुल 33 पुल हैं, जिनमें 8 भारत में बन रहे हैं। सभी पुल इस तरह से बन रहे हैं जिसमें सेना के टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां जैसे भारी सैन्य साजो सामान भी आसानी से पहुंचाए जा सकते हैं। चीन की नजरों में कालादान प्रोजेक्ट शुरू से खटक रहा है और इसलिए भारत म्यांमार बॉर्डर पर जो उग्रवादी संगठन एक्टिव है उन्हें चीन मदद करता रहा है, जिससे कि इस प्रोजेक्ट को वो नुकसान पहुंचाए। आपको बता दें दोस्तों कि सितवे पोर्ट म्यांमार के रखाइन स्टेट में है, जो है वहां का अराकन आर्मी, और वहां अराकन आर्मी इस प्रोजेक्ट के लिए खतरा रही है। 2019 में अराकन आर्मी ने प्रोजेक्ट साइट से 5 भारतीयों को किडनैप कर लिया था, लेकिन म्यांमार में जब से तख्तापलट हुआ है तब से ये उग्रवादी संगठन भी शांत है, जिससे कि इस प्रोजेक्ट पर अब आसानी से काम चल रहा है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए।